हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कुछ बेस्ट इडियम्स सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और दूसरे सभी एग्जाम्स के लिए। ये ऐसे इडियम्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं सभी बैंकिंग, एसएससी और दूसरे एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इन इडियम्स को। देखिए, गॉड्स एकड़, एकड़ आपने सुना होगा, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं उतनी एकड़ ज़मीन है किसी के पास। तो गॉड्स एकड़, इसका क्या मतलब है? देखिए, गॉड्स एकड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इडियम है और CGL में, CPO में ये कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है ग्रेवयार्ड, यहाँ पर हम लोगों को दफनाते हैं या जलाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम गॉड्स एकड़। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस भी हम इसी को बोलते हैं, मेमोरियल पार्क भी इसको हम बोल सकते हैं, ग्रेवयार्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोन यार्ड भी बोलते हैं, ये भी एक अच्छा वर्ड है बोन यार्ड, ठीक है। सीमेट्री भी बोलते हैं, सीमेट्री जहाँ पर जलाते हैं, और बेरियल जहाँ पर दफनाते हैं, ठीक है। ग्रेवयार्ड भी वही होता है, कब्रें होती हैं यहाँ पर। नेक्रोपोलिस भी बोलते हैं इसको, और पॉटर्स फील्ड भी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैंने इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने दिए हैं। बोन यार्ड है, सीमेट्री है, सीमेट्री मतलब यहाँ पर लोगों को जलाते हैं, ग्रेवयार्ड यहाँ पर कब्रें होती हैं, ठीक है, मेमोरियल पार्क, नेक्रोपोलिस और पॉटर्स फील्ड। तो ये है गॉड्स एकर, इसका मतलब। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आता है आपके एग्जाम में, तो आप एग्जाम में आप इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं। देखिए, ये आर्गस आइड, ये काफ़ी बार पूछा गया है CGL में, काफ़ी बार पूछा गया है। आर्गस आइड हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो एकदम एकदम अलर्ट है, एकदम ऑब्जर्वेंट है, एकदम केयरफुल है, उसको हम बोलते हैं आर्गस आइड, ठीक है, एकदम अटेंटिव है। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जर्वेंट आ सकता है, ठीक है, केयरफुल आ सकता है, अटेंटिव आ सकता है, कोई सा भी इसमें से ऑप्शन आ सकता है। आर्गस आइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और CPO के लिए इस बार, CGL के लिए, CHSL के लिए इवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल थम्स, देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में। ऑल थम्स का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति की उंगलियां हैं, और वो उंगलियां सारी थम्स में चेंज हो जाती हैं, सारे अंगूठे बन जाते हैं, तो वो उतना स्किलफुली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑल थम्स का मतलब है जो किसी भी चीज़ में स्किलफुल नहीं है, उसको स्किलफुल तरीके से वो नहीं कर पाता है, बेडंगे तरीके से या अजीब से तरीके से उसको करता है, ठीक है। तो इसको हम क्लम्जी बोलते हैं इंग्लिश में, या ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब बेडंगा, इसका मतलब ढंग से नहीं कर रहा वो किसी काम को। और इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नॉट डेक्स्ट्रस। नॉट डेक्स्ट्रस मतलब जो स्किलफुल नहीं है, ठीक है। डेक्सटिरिटी हम बोलते हैं स्किल को। तो ये ऑल थम्स का मतलब होता है। ऑल ईयर्स का मतलब होता है जो एकदम से अलर्ट है, सुनने को तैयार है, उसको हम ऑल ईयर्स बोलते हैं। तो ऑल थम्स जो स्किलफुल नहीं है, जो क्लम्जी है, जो ऑकवर्ड है, जो डेक्स्ट्रस नहीं है, उसको हम बोलेंगे ऑल थम्स। तो सही कॉन्सेप्ट के साथ सही वर्ड्स यदि आप सीखते हैं, तो इसका यदि एंटोनिम भी आपसे पूछा जाता है, तो उसका आप सही आंसर आप लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, एक होता है अल्फ़ा एंड ओमेगा, और एक होता है लैटिन एंड ग्रीक। देखिए, लैटिन एंड ग्रीक का पहले मैं मतलब बताता हूँ। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है जिसको आप समझ नहीं सकते, सॉरी, जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जिसको समझा नहीं जा सकता, जो कठिन है, उसको हम बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक, ऑल ग्रीक भी उसको हम बोलते हैं। एंड अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है ए से लेके जेड तक, शुरू से लेके आखिरी तक, इसको हम बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, ठीक है। और ऑल ग्रीक का मतलब होता है जिसको समझा नहीं जा सकता, जो कठिन है समझने में, उसको हम बोलते हैं ऑल ग्रीक। देखिए, एक ये भी इडियम है एडम्स एल, और ये पूछा गया, ये CGL में पूछा गया है एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है सिंपल पानी को हम बोलते हैं एडम्स एल। और एक और इडियम होता है इसमें ब्रांच वाटर, ब्रांच वाटर मतलब प्योर वाटर, उसको हम बोलते हैं ब्रांच वाटर। एड एंड अबेट, देखिए एड का मतलब तो आपने सुना ही होगा, जैसे गवर्नमेंट की एड मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस को, तो एड का मतलब होता है सहायता करना किसी व्यक्ति की, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की। अबेट का मतलब भी सहायता करना होता है, लेकिन अबेट, इन दोनों ही वर्ड्स को, एड को हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, अबेट को हम निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आप गलत काम करने में यदि सहयोग करते हैं, तो उसको हम अबेट बोलते हैं।
तो एड एंड अबेट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, हेल्प एंड इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी व्यक्ति को रॉन्ग करने के लिए इनकरेज करना, उसको हम बोलते हैं एड एंड अबेट, ये इसका मतलब है। काफी अच्छा ये इडियम है। और आर्म चेयर क्रिटिक, देखिए क्रिटिक क्या होता है, क्रिटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चीजों को एनालाइज करता है और अपना ओपिनियन किसी विषय के बारे में देता है, ठीक है, क्रिटिकल ओपिनियन अपनी किसी विषय के बारे में देता है, तो उसको हम क्रिटिक बोलते हैं। लेकिन आर्म चेयर क्रिटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जिसका जो एनालिसिस है या जिसका जो ओपिनियन है वो पूरी तरीके से थियोरिटिकल है, वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पर प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एन आर्म चेयर क्रिटिक इज ए पर्सन हु नोज और प्रिटेंड्स टू नो अलॉट अबाउट समथिंग इन थ्योरी रादर देन प्रैक्टिस, मतलब वो थ्योरेटिकल अप्रोच रहती है उसकी एनालिसिस की, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, उसको हम बोलते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। काफ़ी अच्छा ये इडियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द फिडल, देखिए फिडल से रिलेटेड काफ़ी इडियम्स आते हैं, जैसे प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड फिडल का मतलब है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाना, सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल निभाना, ठीक है। और ऑन द फिडल का मतलब होता है बेईमानी करना, ऑन द फिडल, ये भी काफ़ी अच्छा इडियम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ समवन इज ऑन द फिडल दे गेट मनी बाय डूइंग इलीगल और डिसऑनेस्ट थिंग्स, ठीक है, इफ समवन इज ऑन द फिडल दे गेट मनी बाय डूइंग इलीगल और डिसऑनेस्ट थिंग्स, तो बेईमानी करना उसको हम बोलते हैं ऑन द फिडल। काफी अच्छा ये इडियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं अ कुकू इन द नेस्ट, देखिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। अब कोयल जो है, कुक्कू जो है, वो नेस्ट में चली जाती है, किसी घोंसले में चली जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसको वेलकम नहीं किया गया है, वो अनवेलकम गेस्ट की तरह वहाँ पर गई है, ठीक है। तो अनवेलकम इंट्रूडर या अनवेलकम गेस्ट को हम अ कुक्कू इन द नेस्ट बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये इडियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन, देखिए ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब है, सपोज आप कहीं पर कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, डांसिंग की, सिंगिंग की, स्पीच की, और बहुत ज़्यादा तालियां बज रही हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ आपको मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना अपनी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ ए पर्सन ऑन ऑन देयर परफॉर्मेंस और स्पीच ब्रिंग्स द हाउस डाउन, द ऑडियंस क्लैप्स लाफ्स और शाउट्स लाउडली बिकॉज द परफॉर्मेंस और स्पीच इज वेरी इंप्रेसिव और अम्यूजिंग, तो ब्रिंग द हाउस डाउन का ये मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिंग समवन टू बुक, किसी व्यक्ति को बुक करना, इसका मतलब है कि उसको सजा देना गलत काम के लिए, या उसको अपराधी ठहराना, या उस पर केस चलाना, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिंग समवन टू बुक, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड द पेल का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम करना जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, जो मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, आपकी जो जो आपका जो नैतिकता है उसकी सीमाओं से बाहर है, उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड द पेल, आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ मोरेलिटी या गुड बिहेवियर, तो उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड द पेल। काफ़ी अच्छा ये इडियम है। बैक सीट ड्राइवर, देखिए किसी भी गाड़ी पर, किसी मोटरसाइकिल पर या कार में एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है और वो ड्राइवर को सजेशन दे रहा है कि ऐसे गाड़ी चलाओ, ऐसे गाड़ी चलाओ, जबकि ड्राइवर को जरूरत नहीं है उस सजेशन की, तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो अनवांटेड एडवाइस किसी व्यक्ति को देता है, जिसकी जरूरत नहीं है, बिना मांगे अपनी एडवाइस वो दूसरों को देता है, दैट इज कॉल्ड बैक सीट ड्राइवर, ठीक है। विद डिफाइंस मतलब किसी चीज के लिए बिल्कुल मना कर देना और डिसरिगार्ड करना किसी चीज को, टू विद डिफाइंस मीन्स टू डिफाई, टू डिसरिगार्ड रेकलेसली और कंटेम्पचुअसली, ठीक है, किसी चीज़ के लिए मना कर देना कि वो ऐसा नहीं करेगा, टू रिफ्यूज़ टू ईल्ड मतलब उस किसी व्यक्ति की बात मानने से इनकार कर देना, उसको डिफाई करना, उसको डिसरिगार्ड करना, उसको हम बोलते हैं बिड डिफाइंस, ये भी काफ़ी अच्छा एक एडियम है। नेक्स्ट देखिए गॉड का एक और ये आ गया है, अ गॉड्स एप, अ गॉड्स एप एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बॉर्न मूर्ख है, ठीक है, अ बॉर्न फूल, उसको हम बोलते हैं गॉड्स एप। गो एप भी एक एडियम होता है, गो एप, कोई का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, या नॉर्मली इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाराज हो जाना, गो एप। तो इस तरीके से ये 15 इडियम्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और सभी एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही,
अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।